एक बार पिता अपने बेटे को जंगल में लेकर जाते हैं और उसे वहां पर एक कटे हुए पेड़ पर बैठा देते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। पूरी रात के लिए उसे अकेला छोड़ देते हैं। अगर वह पूरी रात जंगल में अकेले बिता लेगा तो वह एक ताकतवर इंसान बन जाएगा। और पिताजी बोलते हैं कि तुम ये बात अपने किसी भी दोस्त को नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक इंसान का संघर्ष अलग अलग होता है। अब बच्चा पूरी रात वहां जंगल में बैठा रहता है। उसको चारों तरफ से बहुत अजीब अजीब आवाज आने लगती है, लेकिन पिताजी ने बोला था कि जब तक सूरज की पहली किरण ना निकले तब तक अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाना। जंगल में बहुत अजीब अजीब आवाज आने लगती है और वह बच्चा सोचता है कि कोई उसको मार तो नहीं देगा। लेकिन वह बच्चा सोचता है कि अगर आज यह रात वह गुजार लेता है और थोड़ा संघर्ष करके अपने आप को रोक लेता है पट्टी खोलने से, तो वह एक ताकतवर इंसान बन जाएगा। अब सुबह होती है और जैसे ही वह बच्चा अपनी पट्टी खोलता है, वह अपने सामने अपने पिता को पाता है जो रात से उसके साथ ही बैठे थे और उसको हर बुरी मुसीबत से बचा रहे थे। पिताजी बोलते हैं कि हम लोग भी अकेले नहीं है, हमारे साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं जो हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। धन्यवाद।